238 का रिजल्ट ज्वाइनिंग कराने के बाद उस रिजल्ट के नीचे लिख दिया अंडर प्रोसेस। अगर वो अंडर प्रोसेस से बाहर निकाल लेते तो हम कोर्ट में लड़ाई लड़ लेते। अब कोर्ट में जाने का भी नहीं छोड़ा इन्होंने मौका और न हमें ज्वाइनिंग दे रहे हैं। दूसरी बात, जो पूरा सीएम और सीएम कह रहे हैं बार बार भर्ती रोकोगे, न तो हमने कोई कोर्ट केस किया जी अब तक, न कुछ। और अगर अलग अलग कैटेगरी में कोर्ट केस चल रहा है उनका, वो अलग मैटर है। हमसे किसी ने भी कोर्ट केस नहीं कर रखा, कम से कम उनकी सीट रिजर्व रखे, हमको तो ज्वाइनिंग का मौका दिया जाए। फायरमैन ऑपरेटर कम ड्राइवर भर्ती को पूरा करने की मांग को लेकर अर्धनग्न होकर सैकड़ों लोग पंचकुला से करनाल तक निकाली यात्रा के दौरान पहुंचे शाहबाद। फायरमैन ऑपरेटर कम ड्राइवर भर्ती को पूरा करने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने अर्धनग्न होकर पंचकुला से करनाल के लिए रवाना हुए हैं। पंचकुला से पैदल यात्रा करते हुए वे शाहबाद पहुंचे। अर्धनग्न होकर पैदल यात्रा कर रहे लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फायरमैन ऑपरेटर कम ड्राइवर भर्ती में उन सभी का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उस भर्ती को अभी तक पूरा नहीं किया गया और उनको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी भर्ती को अब तक पूरा नहीं किया गया। वह सभी विधायक मंत्री और प्रशासन के पास जाकर दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी समाधान नहीं किया गया। इसके बाद अब उन्होंने मजबूरन यह अर्धनग्न अवस्था में यह पैदल यात्रा निकाली है। फायरमैन ऑपरेटर कम ड्राइवर के विद्यार्थी है सर, हमने सीटी क्लियर किया, सीटी सेकंड मेंस भी क्लियर किया। हमारी मांग है सर, हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रहा, हमें इधर से उधर भटकाया जा रहा है। एचएससी ऑफिस जाते हैं तो बोलते हैं फायर डिपार्टमेंट जाओ, फायर डिपार्टमेंट कहता है एचएससी ऑफिस जाओ। हम मंत्री एमएलए सब से ज्ञापन दे चुके हैं, हर मंत्री एमएलए से मिल चुका है, लेकिन हमें कोई आश्वासन दिया जा रहा है, कोई हमारी भर्ती के लिए मतलब कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। 4 साल पहले ये भर्ती निकली थी सर, अभी तक हमारी भर्ती का कोई पूरा नहीं किया गया। पहले हमारी भर्ती का रिजल्ट आया था, उसमें 2063 पोस्ट है, उसमें 1200 बच्चे पास कैंडिडेट है, जिसमें से 850 कैंडिडेट मतलब सीट खाली है फिर भी। और स्टार्टिंग में रिजल्ट निकाला था 850 बच्चों का, तो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने स्पेशल बच्चों को फ़ोन करके ये बोला था कि तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई है, और स्पेशल बुलाकर मिठाइयाँ बंटवाई थी बीजेपी ऑफिस में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरी लिस्ट निकाल दी 3-4 दिन बाद, उसमें 247 बच्चों के नाम रख दिए 850 में से भी, और पोस्ट है 2063। अब क्या कह रहे हैं, अब पता चल रहा है उसमें से भी 70 निकाल रहे हैं सर, और सब हमने परी भी क्लियर किया और सेकंड भी क्लियर किया, तब जाकर हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हुआ सर। हमें कोई वो नहीं है कि एकदम डायरेक्ट आए हैं सर, हम पंचकुला से चले थे एचएससी ऑफिस सेक्टर 2 से सर, वहाँ से हम 13 तारीख को चले थे, आज 3रा दिन है सर हमारे, हमारे पाँव थे देख साले पड़ गए सर गर्मी में, देखो सर। सर हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमें ज्वाइनिंग दी जाए, हम ऐसे नहीं है सर, हम पढ़ के आए हैं, एग्जाम क्लियर करके आए सर, और हमें करनाल जाना है सर। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे हरियाणा में घूमेंगे सर, ऐसे ही हमारे साथ वाले ही पानी लेके आते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, हमारे मतलब बदन पे चलन महसूस होती है हमें इतनी गर्मी में सर। हम 500 बच्चे तो अभी साथ में है, और 200-250 हर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ रहे हैं, हमें आगे आगे मिल रहे हैं, जो हमें मतलब 25 से 50 बच्चों के बीच में जब स्टार्टिंग से चले थे, आप देख लो सर कितना काबिला, हर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ रहे हैं सर, हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, पूरे हरियाणा के बच्चे आए हुए हैं, रेवाड़ी से लेकर 3 महीने से चल रहे हैं जी। पहले लिस्ट लगा दी हमारी और फिर वो उसको कैंसिल कर दिया गया। हम सरकार से बस एक ही मांग करना चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवा दी जाए। लेके बीजेपी गवर्नमेंट अपनी जब सड़क पे आ सकती है अर्धनग्न होके अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, तो हम अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए हम भी अर्धनग्न होके करनाल तक पैदल यात्रा निकाले हैं जी, पंचकुला सेक्टर 2 एचएससी से लेकर। अगर करनाल पहुंचते हैं, सीएम साहब से मिलते हैं, तब तक हमारा सोल्यूशन नहीं होता, तो फिर पूरे हरियाणा में हम ऐसे घूमेंगे, चाहे एमपी के इलेक्शन हो चाहे एमएलए के इलेक्शन, जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। बताया कि खाना की व्यवस्था कैसी होती है, खाना कैसे खा रहे हैं? खाना तो जी देखो, जो भी मिल जाए बेरोजगार को वो खाना पड़ता है जी। ये देखो जी, ये हालात है जी पिछले 4-5 दिन से हमारी, हम सड़क पे सोते हैं जी, मच्छर भी खाते हैं। हमारा 3रा दिन है जी, जहाँ थक जाते हैं, देखो धूप ज़्यादा है जी, 45 डिग्री में नेता तो अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, वोट मांगने के लिए जाते हैं तो उनको पसीना पहुँचने के लिए 3 दिन पिए होते हैं जी।
ठीक है, हमसे संपर्क बहुत तो नहीं किया विपक्ष पार्टी ने, लेकिन हम ये चाह रहे हैं जी कि विपक्ष कोई मुद्दा उठाए लेकिन हमारे पास ना आए जी, ताकि राजनीतिक मुद्दा न बने। राजनीतिकरण से हम एक तरफ चाहते हैं, लेकिन सरकार का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें पिछले 3.5 महीने से तो पूर्व CM और अभी जो CM है, जितने मंत्री मिले हक के अंदर हम अपना विज्ञापन दे जा चुके हैं, 3 बार ज्ञापन दे के आ चुके हैं जी, उनको आसन दिया है जी, 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में होगा जाएगा। जैसे कि एज आपकी लगभग कितनी हो चुकी है और एलिजिबिलिटी भी मेरे को लगता है कि शायद सीमा के आसपास होगी। देखो जी, मेरी तो 32 उम्र है जी, बाकी इस भर्ती में बहुत से साथी है जी जिनकी एज लास्ट है जी, जिनकी लास्ट वैकेंसी है। देखो जी, फायरमैन को तो वैसे ही मौका नहीं है, ये फायरमैन की भर्ती हरियाणा सरकार ने 16 साल बाद निकाली है जी, 16 साल बाद भी, लेकिन उसको पूरा नहीं किया, पूरा नहीं कर रहा। फायर डिपार्टमेंट में आज आप भी देखते हो, हर न्यूज़ के अंदर लगा होता है कि आप वहाँ लगी, लेकिन उनको बुझाने के लिए पर्याप्त उनके पास कर्मचारी नहीं है, चाहे कौशल से भर लो, चाहे DC रेट पर भर लो, फिर भी उनके पास न तो पूरी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, न फायर फाइटर है उनके पास पूरे। सरकार को सीधी चेतावनी है जी, हम ये चाह रहे हैं हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, ठीक है, हम न तो उस रूल के बाहर हैं, जो उन्होंने रूल बनाया उसी रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जी हम, ठीक है। और हमें देखो जी, एक तरफ नहीं किया जा रहा, सरकार की सबसे बड़ी मंशा देखो जी, 238 का रिजल्ट ज्वाइनिंग कराने के बाद उस रिजल्ट के नीचे लिख दिया अंडर प्रोसेस, अगर वो अंडर प्रोसेस से बाहर निकाल लेते तो हम कोर्ट में लड़ाई लड़ लेते, अब कोर्ट में जाने का भी नहीं छोड़ा इन्होंने मौका और न हमें ज्वाइनिंग दे रहे हैं। दूसरी बात, जो पूर्व CM और CM कह रहे हैं बार बार भर्ती रोकोगे, न तो हमने कोई कोर्ट केस किया जी अब तक, न कुछ, और अगर अलग अलग कैटेगरी में कोर्ट केस चल रहा है उनका, वो अलग मैटर है, हमसे किसी ने भी कोर्ट केस नहीं कर रखा, कम से कम उनकी सीट रिजर्व रखे, हमको तो ज्वाइनिंग का मौका दिया जाए, और सीट रिजर्व रखने का मौका भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि 2063 तो वैकेंसी है और हम टोटल कैंडिडेट जो पास आउट हुए हैं दोनों एग्जाम करके, प्री और मेंस जो जिन्होंने क्लियर किया है वो 1261 है जी। देखो जी, वो तो बेरोजगार हैं जी, बेरोजगार होने के बाद देखो भाई, बेरोजगार हैं, कोई फायदा नहीं है भाई ये जिंदगी जी के, जब इनकम नहीं है ऐसी जिंदगी जीने कोई फायदा भी नहीं है, ऐसी बेरोजगारी की जिंदगी से तो अच्छा है रोड में मर जाएंगे, कम से कम इनको पता तो चलेगा, आने वाली हमारी पीढ़ियों को ये तो पता चलेगा कि उन्होंने 2024 में फायर फाइटर भाइयों ने ऐसा संघर्ष किया था कि भारत के इतिहास में याद रखा जाएगा, अर्धनंगन आंदोलन। क्या किसी यूनियन का, हरियाणा की किसी यूनियन का आपको समर्थन हासिल है? नहीं जी, न समर्थन हासिल है, न हम लेना चाह रहे, क्योंकि खाप पंचायतें हैं, किसान, देखो जी किसान आंदोलन, खाप पंचायत, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं करना चाह रहे, तो इसलिए हम अपना स्टूडेंट, कोई हमारे स्टूडेंट यूनियन भी नहीं है जी, हम सिर्फ वही साथी हैं फायर साथी जिनका हम स्थाए हुए हैं सरकार के द्वारा, हमारा शोषण किया गया, खुद को यातनाएं देकर, हाँ जी, को चेताना चाह रहे हैं, बिल्कुल जी, तो लेकिन सरकार जो है जागने का नाम नहीं ले रही सरकार, तो जी हम 4 महीने से चक्कर निकाल रहे हैं, आप बता रहे हैं कि लगातार अगर आप लोग इस यात्रा के बाद सरकार नहीं जागती तो हरियाणा का सफर करेगा। देखो जी, करनाल हम जाते हैं, CM साहब आश्वासन नहीं चाहिए जी, हम वहाँ 8 घंटे वेट करेंगे, 8 घंटे में अगर हमारा रिजल्ट निकालती है हमको ज्वाइनिंग का, ज्वाइनिंग हमें चाहिए 10 दिन बाद दिला दो, कोड ऑफ कंडक्ट में इन्होंने ले रखी है वैसे परमिशन, लेकिन ये कोड ऑफ कंडक्ट का भी बयाना लगाते हैं, तो भाई हमें 10 दिन बाद ज्वाइनिंग दे दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं हमारा रिजल्ट निकाल दो, हम सबको कंसीडर करके, चाहे किसी इंस्टीट्यूट से हो, लेकिन वो इंस्टीट्यूट है तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, उनको भी नहीं दिया जा रहा, कल नहीं जी परसों सुबह के बाद हम करनाल पहुंच जाएंगे 11-12 बजे तक, यानी कि आज हो चुकी 18 तारीख 5 बजे तक हम ये सरकार को चेतावनी दे रहे, या तो हमारा रिजल्ट निकाल लो ज्वाइनिंग चाहे बाद में दे दो सबको कंसीडर करके, वरना फिर पूरे हरियाणा में चाहे हमें 6 महीने लगे इसी प्रकार से चलते रहेंगे हम। देखो जी, परिवार तो बेरोजगारों का परिवार तो क्या होता है जी, बेरोजगार फिर युवा कहाँ भटकेगा, दर दर भटकने को, ठोकर खाने को मजबूरी है जी हमारी। क्या नाम है आपका? विनोद नाम है जी।